नंबर अब शुक्र का नंबर, शुक्र ब्यूटी लेवल ऑफ सुंदरता, सुंदरता की वजह से आकर्षण, एक सेल्फ आकर्षण था 5, जिसमें ब्यूटी है या नहीं है बट आकर्षित है। अब 6 है ब्यूटीफुल, ब्यूटी आकर्षण, पर्सनैलिटी ऐसी जो सुंदरता से आकर्षित करें, अपने आकर्षण की वजह से ये लोग घुल मिल जाते हैं, पर अपने आकर्षण की वजह से लोग रोमांटिक होते हैं। अपने ही आकर्षण की वजह से लोग अपोजिट जेंडर से भी जल्दी कनेक्ट करते हैं, और ये कह रहे हैं ये लोग अगर गलत संगति में फंस जाए तो अपना गृहस्थ जीवन भी खराब कर लेते हैं। 6 नंबर इज अ परफेक्शनिस्ट, इट इज अ परफेक्शनिस्ट नंबर, हर चीज परफेक्शन की तरह चाहिए। झूठ बोलना भी इनकी कला है, पकड़ पकड़ नहीं पाओगे। वेरी ट्रिकफुली, वेरी कन्वीनियंटली अपनी बात को इस अदा से बोलेंगे कि झूठ सच लगेगा, इसलिए इन्हें बोलते हैं अदाकार, इसलिए इन्हें से हम अदाकार ही बोलते हैं, ये अदाकार है। छीनवा वाले लोग 9 नंबर से या 1 नंबर से बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, 6 नंबर के लोग बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं 9 नंबर से, 1 नंबर से, टू एन एक्सटेंट 4 नंबर से भी होते हैं आकर्षित। 6 नंबर वाले लोग 5 नंबर से आकर्षित नहीं होते इन जनरल वन वे, ये थोड़ा इनके लिए नेगेटिव होता है कि एक ही कैटेगरी के लोग हो जाए ना ये, तो उनसे उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, बट अदर देन दैट दे आर एबल टू कनेक्ट बड़ी वेरी कंफर्टेबली, दे आर एबल टू कनेक्ट इट। सुरजी आपके लिए, आपके बेटे का 5 और 6 दोनों है, ये एक डिसएडवांटेज, ये एक एरिया था कि 5 और 6 आपस में कनेक्ट नहीं करते एक सर दूसरे। हाँ, ये 6 नंबर की जो आप रीडिंग बता रहे हैं ना, वो हस्बैंड की है, तो वो अभी तक 100% सही हाँ एक, चल हाँ हाँ अब अभी अभी रही चलने दो, अभी चलने दो, है। और अभी चलने दो। वो 9 नंबर का बेटा उससे कनेक्ट है और हाँ 5 से नहीं है। अभी अभी चलने दो, अभी चलने दो। ठीक, छह नंबर मिलनसार होते हैं, बट इनमें एक एक गुरूर होता है, एक एक इनमें एक ईगो होती है अपनी ब्यूटी की, अपने टैलेंट की, दे टैलेंटेड, इनमें एक ईगो होती है उसकी, उस चीज की इनमें ईर्ष्यालु भी बहुत जल्दी, ईर्ष्या बहुत जल्दी जगती है, बहुत जल्दी ज्वेलस हो जाते हैं लोग, जलते बहुत है। 6 नंबर रचनात्मक नंबर है, क्रिएटिव नंबर है, और अपनी ट्रिक के साथ अपने काम निकाल लेता है, काम निकालने वाला इंसान है, कोई भी चीज हो कोई भी बात हो अपना उल्लू सीधा करना, और अपना उल्लू एक बार सीधा हो गया ना, दूसरे में दखल अंदाजी नहीं करते, छोड़ जा जाने दे, कर रहा है कर, जैसा करना छोड़ दे, लिव इट। तो अपने गोल पे फोकस है, अपना गोल सिद्ध होना चाहिए, मेरा काम हुआ वो काम खत्म, फिर दूसरे पे दखल अंदाजी नहीं करेंगे, अपना काम खत्म हुआ नमस्ते करी चलते बने छुट्टी। आमतौर पे लोग शांति प्रिय होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते किसी से, कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं, जिसको जीना जैसा जीना वैसा जिए, कोई ज्ञान भी नहीं बांटते फालतू में, अपना गोल ओरिएंटेड होते हैं, टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, अपना टारगेट सीधा किया चलो छुट्टी। 5 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, छह नंबर की मदर साहब वेरी केयरिंग, 6 नंबर की जो मदर पे सुपर नेचुरल पावर होती है फॉर केयर,
भावनाथ। छह नंबर वाले मेटलिस्टिक ओरिएंटेड होते हैं, क्या सोशल सर्कल भी बिग होता है, बड़ा होता है सोशल सर्कल। ये लोग पैसा खर्च करने से पहले चार बार सोचते हैं, बड़ा तोड़ मोड़ के पैसा खर्च करते हैं। ये ऐसा नहीं है जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। ये लोग दिख रहे हैं बड़े स्मार्ट है, बड़े पैसा खर्चू हैं, ये लोग पैसा नहीं खर्च करते जल्दी से। ऐसा लगता है कि अपनी नेल पॉलिश पे और अपने क्रीम पे बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, बट जल्दी नहीं खर्च करते लोग। और जितना करते हैं पहले अपने पे करते हैं, बाद में दूसरी सोचते हैं। ये एक्सेप्शन इसमें छह नंबर की मदर है, वो मैंने पहले बोल दी एक लाइन, उसको छोड़ दो उस लाइन को। उसके अलावा इन अदर वे अदर वे अदर रिलेटेड चीजें, दे आर वेरी सेल्फ ओरिएंटेड पीपल, दे आर गुड मैनेजर्स, दे आर गुड डिजाइनर्स, दे आर गुड इंटीरियर्स डिजाइनर्स। रख रखाव, साफ सुंदरता, स्वच्छता, ब्यूटी, जो चीज जहां है वो वहीं पाएगी। परफेक्शनिस्ट, अपनी जगह की चीज वहीं पे रखनी है और नहीं रखो तो चिट्ठी होगी। वेरी इनका ड्रेसअप जो होता है ना हमेशा ऐसा होता है जैसे अभी ब्यूटी पार्लर से निकल के आ रहे हूं। इनकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं, जो चॉइसेस होती हैं इनकी, बड़ी स्पेसिफिक होती है, बड़ी स्टीक होती हैं। दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर ऐसा चाहिए डिजाइन तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, ऐसा ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए तो ऐसा फ्रेमवर्क ही चाहिए, अगर ड्रेस ऐसी चाहिए तो ड्रेस ऐसी ही चाहिए। दे वेरी चूजी इन दोज मैटर्स, वेरी स्पेसिफिक। दे आर लग्जरी ओरिएंटेड, लग्जरी, प्लेजर, एंजॉयमेंट, फन। मदर इज अ वेरी केयरिंग एंड नर्चिंग, जैसे पहले बोला सुपर नेचुरल पावर काइंड ऑफ। इनके पास एबिलिटी होती है सामने वाले को अपनी तरफ झुका लेने की, बीइंग ब्यूटी, जैसे मैंने बोला अदाकार अपनी अदाओं से सामने वाले को अपनी तरफ झुका लेती हैं। रिश्ते आमतौर पर इनके अच्छे होते हैं, मेल जोल के लोग होते हैं, ये लोग मेल जोल से चला जाते हैं आमतौर पर। ये लोग वफादार होते हैं, समझदार होते हैं, संगीत में रुचि रखने वाले होते हैं, रचनात्मक होते हैं। इनमें योग्यताएं, इनमें कलाएं, इनमें प्रोफेशनल टैलेंट बहुत स्ट्रांग होता है। और 15 नंबर पे सब चीजें ज्यादा पाई जाएंगी, क्योंकि 15 नंबर एक और पांच मिलके बना है, और एक और पांच का जो क्षमता होती है बहुत स्ट्रांग होती है इस काम में, क्योंकि एक लीडर, पांच अदाकार, अपनी डपली अपना राग, सब मिला जुला के 5-15 बनता है और उससे 6 बनेगा। इनमें ये अदा बहुत जल्दी मिलेंगी। अब 6 नंबर बनता है 6 और 24 से, 24 में 2 और 4 आता था, 2 चंद्रमा 4 राहु। रचनात्मक होते हैं ये, ड्रामा, टीचर, म्यूजिक, लग्जरी की तरफ इनका झुकाव बहुत स्ट्रांग होता है। इनको अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन वैवाहिक जीवन इनका बहुत स्ट्रांगली बाय डिफॉल्ट बैलेंस नहीं होता। 2 और 4 वाले का, 2 और 4 वाले के जीवन में एक नंबर आ जाए, 1 और 9 वाला व्यक्ति आ जाए, लड़का हो तो लड़की आ जाए, लड़की हो तो लड़का आ जाए, खासतौर से अगर लड़की है तो लड़का मिल जाए,
इनको जो है बैलेंस करने में, और 9 नंबर इनके को बैलेंस करने में और ज्यादा तकलीफ दे रहा हूँ, मतलब 1 और 9 साथ में मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही फायर एलिमेंट है, दोनों ही आ गया, और वैसे ही ये 2 और 4 वाला झेल रहा है अपने आप को, तो इनको तकलीफ और ज्यादा बढ़ा देगा। तो 19 नंबर के लिए बहुत स्ट्रांग नंबर नहीं है। भौतिक वस्तु के प्रति लगाव बहुत होता है, यही अगर 6 नंबर, 6 नंबर से आ जाए, प्योर 6 इज द प्योर लग्जरी, प्योर 6 इज प्योर लग्जरी। ऐसे लोगों की जो पसंद होती है ना, वो स्ट्रांगली लग्जरियस काइंड ऑफ होती है, या सुंदरता, या बहुत स्पेसिफिक होती है इनकी पसंद, भावनाओं के साथ पसंद होती है इनकी। छह नंबर वाले व्यक्तियों पे आमतौर पे जो तकलीफें आती हैं, वो आती हैं ज्यादातर हेल्थ अलाइनमेंट में, नर्वस सिस्टम, किडनी, और सबसे इंपॉर्टेंटली 6 नंबर शुक्र का है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किडनी, शुगर, ब्लड शुगर, ये समस्या इनको ज्यादातर दिक्कत देती है। इन्हें स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए, इनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। फाइनेंस के मामले में ये फॉर्चुनेट होते हैं, फाइनेंस के मामले में ये लोग फॉर्चुनेट होते हैं। 6 नंबर का वाइफ का है, शी इज वेरी चार्मिंग, लव लव अफेक्शनिस्ट एंड परफेक्शनिस्ट ऑल्सो, जो चीज जहां है वो वहीं रहेगी। अ लेडी हैविंग 6 अपनी एज के लंबी एज तक भी शी लुक लाइक ए प्रॉपरली बैलेंस्ड ब्यूटी एंड ड्रेसअप। कई आपने महिलाएं देखी होंगी जो लंबे एज के बाद भी अपनी जो ड्रेसअप है, अपनी ब्यूटी को है, वो मेंटेन करने में लगी रहती हैं। 6 नंबर का इफेक्ट है ये, दे लुक लाइक दैट दैट वे। डोमेस्टिक लाइफ में भी ये अपनी पे बहुत ध्यान देती है, बट एज आई सेड केयरिंग मदर होती है, अपनी ज्वेलरी, अपने कपड़े, दे आर फाउंड ऑफ ज्वेलरी एंड क्लोथ्स। अगर 6 नंबर हस्बैंड का है, इट इंडिकेट्स अर्ली मैरिज, अ रोमांटिक पर्सन, अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अ पर्सन हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज शोल्डर। दे कनेक्ट वुमेन्स वेरी इजली एंड वेरी अर्ली, फैसिनेटिंग पर्सन, बट दे नीड टू लर्न बिटवीन द फैसिनेशन एंड ट्रू लव विच दे मिसगाइडेड। यहां थोड़ी सी वीकनेस इनमें आती है, अदरवाइज ये लोग अच्छे हस्बैंड होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है इनपे। छह नंबर वाले लोग ओवरऑल इट्स ए गुड नंबर, इट्स ए नंबर ऑफ लग्जरी, इट्स ए नंबर ऑफ शुगर, इट्स ए ओवरऑल गुड नंबर। गाल इनके लाल लाल होते हैं, महिलाओं में अगर रोग है तो बच्चे में दिक्कत आती है इनके, 6 नंबर में बच्चा होने में दिक्कत आती है, अगर महिला में महिला रोग है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। शुक्र अगर वीक है, क्योंकि शुक्र शुक्राणु भी है, अगर शुक्राणु वीक हो जाए तो बच्चा होने में बहुत दिक्कत होती है, एंड सेम फॉलोज बाय दी मेल आल्सो, अगर जननेंद्रिया वीक हो जाती है तो, शुक्राणु वीक हो जाते हैं तो
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से बच्चा होने में दिक्कत आती है। शुक्र अगर सही से नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट हो जाएगा, लेकिन शुक्र की अगर सही से नहीं है शुक्र, और शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित है, शुक्राणु वीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वीक है और ये दिक्कत देगा फैमिली ग्रोथ में। ओवरऑल जो 6 नंबर है वो अच्छा नंबर है, इट्स अ गुड नंबर, इट्स अ नंबर ऑफ फाइनेंस, इट्स अ नंबर ऑफ आकर्षण, इट्स अ नंबर ऑफ लग्जरी, इट्स अ नंबर ऑफ रोमांस, अच्छा नंबर है ये।